इसका ग्रेवी भी ठीक है। हाँ देखिए क्या बना रही मम्मी आज। हाँ आज ये न्यूट्रेला की सब्जी बनाएंगे। इसे न्यूट्रेला कहीं सोया बरी कई नामों से लोग इसको जानते हैं। सोया बरी हाँ, सोया बरी हाँ, इसके लिए हम इतना न्यूट्रेला है ये करीब एक कटोरी है करीब छोटे हाँ, कटोरी से दो कटोरी है बड़े कटोरी से एक कटोरी है। हाँ, ये हमारा लोकल वाला है। हाँ लोकल वाला है ये आपका ब्रांड वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसके लिए हम इसमें चार आलू छोटे छोटे हाँ काट लिए हैं। आपको जितना चाहिए उतना आलू डालिए नहीं डालिए तो भी चलेगा। अच्छा हाँ ये आपके ऊपर है लेकिन आलू और न्यूट्रेला बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो बताएंगे हम सही बात है। हाँ और ये देखिए एक प्याज हम छोटा छोटा काट के रख लिए हैं। हाँ, हाँ, तीन प्याज रख लिए इसको पीसेंगे अभी हम मिक्सी में तीन बड़े प्याज। हाँ बड़े प्याज हाँ एक दो टमाटर है ये 10-12-14 पीसिए काजू है ये डालने में ग्रेवी बहुत क्रीमी बनता है बहुत टेस्टी बनता है एकदम टेक्सचर बढ़िया आता है स्वाद। अगर किसी के पास नहीं है तो भी चलेगा। अच्छा। लेकिन ये डालने से टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या क्या है मम्मी बता दो। बघार के लिए है ये तेजपात है ये आधा चम्मच जीरा है ये करीब 10 काली मिर्च है ये थोड़ी सा लौंग है ये दालचीनी हो गई अपनी का है इतना बड़ा टुकड़ा है एक ये बड़ी बड़ी इलायची डोरा जिसको हाँ इसमें एक दो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ये क्या है मम्मी। ये खसखस है खसखस है हाँ ये भी आधा चम्मच है। अगर ना हो तो चलेगा ये पीसने के लिए है। हाँ। इधर देखिए अदरक लहसुन है ये भी पीसने के लिए रखा हुआ है। अच्छा अदरक लहसुन हाँ, पीसने के लिए रखा हाँ, है। इधर देखिए ये अपने पीसे मसालों में हाँ, पीसे मसाले हैं करीब 1.5 चम्मच धनिया है एक चम्मच हल्दी एक मतलब चम्मच हल्दी माने हेल्दी और एक चम्मच मिर्ची। हाँ मिर्ची ठीक है मम्मी और क्या क्या चाहिए। वैसे ये मसाला आपके स्क्रीन पर सब ये जो सामग्री है सब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए पहला काम इसके लिए ये है इसको हम ये गर्म पानी करके रखे हैं यहाँ। हाँ हाँ। इसको हम इसमें डाल देंगे। हाँ। तो इसको थोड़ी देर इसको फूलने के लिए छोड़ेंगे इसी में। ये पूरा मम्मी लहसुन और प्याज जो खड़ा हाँ, रखे हाँ, थे हाँ, इसको हम पीस लेंगे। अच्छा पीस लोगे ठीक है। अब देखिए इस काजू को हम ये रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में बस इसका रोस्ट करना है। हाँ, काजू को हाँ ये जब रोस्ट हो जाएगा हाँ, फिर इसको हम ये टमाटर ये जो टमाटर हम रखे हैं हाँ, हाँ, टमाटर ये खस है हाँ, खस खस के साथ ही हाँ, सब हम पीस लेंगे उसको। अच्छा ग्रेवी के लिए बहुत अच्छा ग्रेवी बनेगा इससे आपका बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी आएगा और खुशबूदार रहेगा। ठीक है तो इसको रोस्ट कर हाँ देखिए काजू रोस्ट हो गया है। हाँ हल्का हल्का मार्क आ गए हैं। अब इसको हम लेके इस टमाटर वाले उसमें पीस देंगे टमाटर के साथ इसको पीस हाँ, देंगे हाँ ठीक है। देखिए ये टमाटर काजू भी पीस गया जो इसमें आधी चम्मच खस रखे थे वो भी पीस गया है। हाँ, ये अपना प्याज भी बन गया है। हाँ अब अगला हम ये अब देखिए ये न्यूट्रेला भी ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छी तरह मुट्ठी से ऐसे इसका पानी निकाल के पूरा न्यूट्रेला को हम ऐसे निकाल लेंगे। हाँ देखिए ये पानी से पूरा हम निकाल लिए हैं एकदम सूखा है मतलब बिल्कुल पानी निचोड़ लिया अपन अच्छे से पानी से निचोड़ लिया। अब इसका अगला काम क्या है देखिए हम कढ़ाई में तेल डाले हैं इतना थोड़ी सा एक चम्मच तेल डाल के अब तेल गर्म हो जाए गर्म ऐसे तेल ये गर्म हो गया है थोड़ी सा एक चुटकी इसमें हल्दी डाल देंगे एक चुटकी हाँ, हल्दी है ना हल्दी डाल देंगे बस कम आँच कर देंगे क्योंकि हल्दी जले ना थोड़ी सा इसमें नमक डाल देंगे थोड़ी सा हाँ बिल्कुल थोड़ी सा हम डालें हाँ और इसको हम इसी में डाल के इसको इसको ये जो सोया बरी है इसको अपन इसमें डाल देंगे हाँ इसमें फ्राई करेंगे हम थोड़ी। अच्छा हाँ थोड़ी ही तेल में और थोड़ी ये फ्राई हो जाए फिर आलू भी डालेंगे इस आलू के साथ भी करेंगे इसको लेकिन थोड़ा ये हो जाए पहले। अच्छा ठीक हाँ देखिए ये लाल लाल हो गया है ये हाँ ये भूनने से ये होता है कि इसका जो चिमरापन जो इसका स्वभाव होता है वो बना रहता है नहीं तो फिर गला गला सा हो जाता है वो जो मजा नहीं आता खाने में। अच्छा इसी में ऐसा? हाँ इसी में ये आलू भी डाल देंगे आलू डाल दो हाँ थोड़ी देर में भी भून देंगे ताकि इसके अंदर नमक आ जाए थोड़ी आलू का कलर भी चढ़ जाए। अच्छा हाँ लेकिन ये फ्राई करना बहुत जरूरी होता है नहीं तो फिर चीमर नहीं रहेगा सोया बरी है ना हाँ अजीब सा गबगबापन टाइप आ जाएगा इसमें। ठीक है तो अब आलू को भी कर लेते हैं फ्राई। हाँ अब देखिए ये भुज गया है आलू के साथ पूरा तैयार है इसके अंदर नमक हल्दी का पूरा फ्लेवर कलर सब चला गया होगा भुज गया। अच्छा इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हाँ देखिए ये भी कढ़ाई से हम निकाल लिए हैं। हाँ। कढ़ाई गर्म है और इसी में हम तेल डालेंगे इसी गर्म कढ़ाई में हाँ। बना के तेल डाल दिए है ना
करीब हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, और तेल जब गर्म हो जाए, गर्म तेल हो गया है क्योंकि कढ़ाई गर्म था। मम्मी सोया बरी के रोस्टेड कितना अच्छा खुशबू आने लगा है अभी से। हाँ, अब क्या डालोगी मम्मी इसमें? इसमें जीरा डालेंगे। हाँ, अपने खड़े मसाले? हाँ, सब खड़े मसाले डाल देंगे हम इसमें, जितने खड़े मसाले थे, तेज पत्ता, सब खड़े मसाले, सब कुछ डाल दिए है ना। हाँ ठीक है। अब ये थोड़ी हल्का रोस्ट हो जाए, ये भुज जाए हल्का, ज्यादा नहीं जलाना है इसको, हल्का सा रोस्ट हो जाए, खुशबू आने लग जाए, खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसको, इनका फ्लेवर बहुत जरूरी है ना, फ्लेवर बहुत जरूरी है। अब देखिए ये लगभग हो चुका है हल्का सा। हाँ, अब इसमें हम ये जो प्याज काट के रखे, चॉप्ड प्याज था जो अपना, इसको डाल देंगे, इसको पूरा डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। अब आपको लगता होगा कि इतना प्याज पीसने के बाद ये प्याज डालने की क्या जरूरत है, तो इससे कलर आएगा, इसको थोड़ी हम डीप ब्राउन करेंगे। और इससे अब क्योंकि इसमें कोई कश्मीरी मिर्च वगैरह हमें नहीं डालना है, और इसी से कलर आएगा। हम आगे बताएंगे क्या करना है कि कलर आए सब्जी में। हाँ देखिए प्याज भुज गया है, अब आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। तले हुए प्याज की खुशबू कितनी गजब आ रही है मम्मी। आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। देखिए ये सूखा मसाला है। हाँ हाँ, पाउडर वाला अपना। हाँ, जो पाउडर मसाला। हाँ, जो है ये डालेंगे, मिर्ची हल्दी डालेंगे, बहुत कम आँच पर ही इसको करना है। मिर्ची हल्दी डाल के धनिया डाल देंगे तुरंत, इसके बाद हम प्याज का ये जो रखे हैं डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अच्छा। हाँ, तुरंत करना है। हाँ, हाँ, नहीं होते तो आप कढ़ाई को गैस से नीचे करके डालिए। हाँ, ये सूखा मसाला। अब देखिए इसको मिलाएंगे, अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे मम्मी, है ना, मसाला डालेगा। हाँ ठीक। देखिए ये हल्का भून गया है, लेकिन इसका अभी तेल सेपरेट नहीं हुआ है, तो हम अपने अंदाज से नमक डाल दें, जितनी सब्जी है जैसा स्वाद है उस अनुसार हम नमक डाल दें। अच्छा। हाँ, और इसके बाद फिर भूनने पर तेल सेपरेट हो जाता है नमक। अब नमक डाल के बाद भूनेंगे तो अपना तेल आ जाएगा। हाँ, है ना। हाँ, ठीक है, तेल आ जाने का वेट करते हैं। देखिए इसका तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें जो ये टमाटर और काजू का पेस्ट हम रखे हैं, इसमें खसखस लिए आधी चम्मच, वो हम डाल देंगे। सब इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे और फिर इसके साथ भून लेंगे। ठीक है। और आप पूरा वीडियो देखते रहिए ताकि और मसाले कुछ डालने हैं वो भी बताएंगे आगे, है ना, आगे बताएंगे, पूरी वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। तभी टेस्टी बन पाएगा। देखिए किनारी किनारी तेल आने लगा है, तो टमाटर भी अब भुज गया है, जो टमाटर काजू था वो भी भुज गया है। अब क्या करेंगे देखिए इसको, ये हम पनीर मसाला डालेंगे। पनीर मसाला 1 चम्मच डालिएगा, ये हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। आप डाल बना के देखिएगा, ऐसा ये एक अलग एक्स्ट्रा आपको ये स्वाद देगा। हमारा एवरेस्ट का है, आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं ना, किसी कंपनी का यूज कर सकते हैं, हम एवरेस्ट का तो अभी से खुशबू देने लगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए भूजेंगे मसाले के साथ। हाँ, और हाँ इस बीच एक बात बोले मेरे भाई बहन, ये जरूर देखिएगा वीडियो और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे युवा बच्चे वो लोग भी देखें, मम्मी से अपने बनवा कर खाएं, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए भुज गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें कश्मीरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालिएगा, कलर को ख़राब कर देता है, पूरा न्यूट्रेला जो है वो लाल लाल हो जाता है। ठीक है। हम इसमें गरम मसाला भी नहीं डालेंगे, इसलिए कि पूरा फ्लेवर दबा देगा गरम मसाला। हाँ, पनीर मसाला का फ्लेवर दबा देता है। हाँ, ये ऐसे बनाएगा ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये ग्रेवी आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, ये पानी और सोखता है तो थोड़ी। अच्छा। इसमें पानी पड़ता है, पानी थोड़ा पड़ेगा। हाँ, थोड़ी पानी पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक खोल आने खोल जाए फिर हमको डालना है ये न्यूट्री में देना है। देखिए ये खोल गया है, अब ये खोल गया है। हाँ हाँ, खोल गया, खोल गया। अब इसको हम इस सब्जी को इसमें डाल देंगे, ये न्यूट्रेला जो आलू है। हाँ, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाकर 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल सीम आंच पर छोड़ देंगे, ताकि इसका जो नमक है और इसका जो फ्लेवर है इस सब्जी में आ जाए। ऐसे तो सब पका हुआ है, खुशबू खुशबू जो है ना अच्छा रहा है इसमें, अभी से मचा रही है बिल्कुल अलग से बिल्कुल। मैं तो अब मैं छटपटा रहा हूं। पानी को थोड़ा खींचता है पानी को, इसलिए थोड़ी और डालना पड़ा है पानी। अब इसको हम बिल्कुल सीम आंच पर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे किसी ढक्कन से। सीम आंच पर 5 मिनट के लिए रखना है ना, फिर 5 मिनट बाद बनने खाने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल। देखिए 4-5 मिनट के बाद हम बंद कर दिए थे। अब ये अपना न्यूट्रेला सब्जी बन के तैयार है। निकला अब निकला।
अब मटेरियल निकला है, इसका ग्रेवी भी ठीक है। हाँ देखिए, अब इसमें आप चाहे तो ये धनिया पत्ती डाल सकती हैं। हाँ इसे धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है धनिया पत्ती। हाँ धनिया, और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, फ्लेवर अच्छा और खुशबू आ जाएगी इसे। ठीक है, अब खाने के लिए तैयार है ना? खाने के लिए तैयार है। थोड़ी सी और ग्रेवी दे दो बस। बस ये देखो, एकदम मुलायम हो गया है। खाया जाए अब। मजेदार स्वाद, अच्छा बना है। बहुत बढ़िया बना है, बहुत जो काजू का बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ रहा है ग्रेवी का खाने में। इसके साथ प्याज वगैरह खाओ और मजा आएगा। देखो नहीं नहीं अभी तो ऐसे खा लेता हूँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तब तक यही सब। अभी तो मटन मछली मिलने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, सही में क्रीमी बहुत अच्छा आया है।